सर अली, ये आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम CSE के इंडिकेटर पूरे कर रहे हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है हमारी, उसने जैसे कि सारे हॉस्पिटल्स को कहा हुआ है, और इवन कि अब तो जो छोटी मोटी लैब हैं उनको भी कह दिया है कि PHC के जो इंडिकेटर हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के, उस हिसाब से करें। और काफ़ी सारे जो हैं वो इंस्टीट्यूट कह लें या ये छोटी मोटी लैब चल रही हैं बाहर, ये बहुत इससे कंफ्यूज भी हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ हमारे ऊपर है। तो लेकिन ये है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। PHC के इंडिकेटर में सबसे जो मेन चीज़ें हैं ना, वो यही है कि आपने HR सबसे ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि जो हमारे ज़्यादातर सेंटिनल इवेंट होते हैं, जो कोई मसला हो जाता है, वो ज़्यादातर अनट्रेन स्टाफ होता है, अनक्वालिफाइड स्टाफ होता है, उस चीज़ को PHC ज़्यादा ख़त्म करना चाह रही है। HR बहुत बेस करता है इसमें, कि जिसने कोई था, जैसे हम मोटरसाइकिल काम नहीं सिखाते बच्चों को, वैसे जिन लैब के काम सीखे हुए हैं, अताई डॉक्टर हैं, उन्होंने काम सीखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, PHC ज़्यादातर इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रही है। उसके अलावा जो आप जितना भी आपका जो टेक्निकल स्टाफ है वो क्वालिफाइड हो, अगर कोई ब्लड बैंक चल रहा है तो वो जी किसी को ब्लड ग्रुप करना आता है तो वो ब्लड बैंक चला रहा है, इस चीज़ को PHC ख़त्म कर रही है कि टेक्निकल स्टाफ हो, जिसने क्वालिफिकेशन ली हो, जिसको एनाटॉमी का पता हो, थोड़ा बहुत ब्लड का पता हो, वेनस ब्लड का पता हो, कोई पढ़ा हो जिसने वो काम कर रहा है, तो ये चीज़ें अब अदारों को पूरी करनी पड़ रही हैं। तो ज़्यादातर जो अदारे चल रहे हैं वो 10-10 हज़ार, थोड़ी थोड़ी सैलरी 20-20 हज़ार में अनक्वालिफाइड स्टाफ रख के उनको चला रहे हैं, लेकिन अब PHC कह रही है कि उनको निकालो, जो लड़के पढ़ के घर बेचारे फारग बैठे हुए हैं और जिनको पता है चीज़ों का कि हमने काम को कैसे करना है, ये नहीं कि